राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के आरक्षण में अचल संपत्ति के प्रावधानों को पूरी तरीके से समाप्त करने के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत को धन्यवाद देने वालों का सवेरे से तांता लगा रहा। सीएमआर में सवर्ण ब्राह्मण महासभा के नेता सुरेश मिश्रा सहित तमाम नेता पहुंचे और मुख्यमंत्री को मालाओं से लाद दिया, उन्हें साफा पहनाकर उनका धन्यवाद किया। सीएमआर में मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री सुभाष गर्ग और भंवर सिंह भाटी, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी सहित कई नेता पहुंचे और मुख्यमंत्री का सवर्ण समाज के आरक्षण में लगे संपत्ति सहित कई राइडर हटाकर सिर्फ 8 लाख आय को आधार बनाकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश पर आभार जताया। सभी ने सीएम गहलोत को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे पहले गरीबों को 10% आरक्षण का कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा था और उनके लिए इससे पहले कोई सार्थकता भी नहीं थी। सीएम गहलोत ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की भावना और मांग से भी अधिक फायदा देकर ये बताया है। सरकार गरीबों के प्रति अधिक संवेदनशील है और सीएमआर में धन्यवाद देने के समय कई सामाजिक कार्यकर्ता, कारोबारी नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, आज हम सब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करने आए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पहल करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वो सारी शर्तें हटाई जिन शर्तों से परेशानी आ रही थी। SDM के पास, तहसीलदार के पास में प्रमाण पत्र बनाने जाते थे, बन नहीं पाता, किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। सारी शर्तें हटाई, सिर्फ 8 लाख रुपए जिसकी आमदनी है या 8 लाख से कम है उसको आरक्षण मिलेगा EWS का। ये शर्त हटाने से ही, ये शर्त रखने से ही आरक्षण की सार्थकता सिद्ध हो रही है। बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे थे, 90-95% लोगों को जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलने की संभावना नहीं हो रही थी, मुख्यमंत्री ने पहल की। देखिए, आज मैं एक आपको नई बात बता रहा हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जब धन्यवाद देने के लिए ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब संगठनों के लोग जयपुर के धन्यवाद देना चाहते थे, उन्होंने कल मिस्टर महेश जोशी जी, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ और हमारे नेता सुभाष जी गर्ग, बाटी जी सबसे बात की, अमीन भाई, रफीक भाई, सब लोगों की ये थी कि भाई मुख्यमंत्री से मिलकर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करें और ये कहे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो पहल की है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के समक्ष अन्य राज्यों के लिए भी कि EWS की जो विभिन्न शर्तें थी उन शर्तों को खत्म करते हुए केवल एक शर्त उन्होंने रखी है कि 8 लाख से आय कम होने पर EWS का सर्टिफिकेट तुरंत बनेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत हमारे इन युवा साथियों को दी है, चाहे वो किसी भी समाज, जाति, वर्ग और धर्म के हैं, और इससे इतनी बड़ी राहत है कि मतलब युवाओं ने एक तरह से दीपावली से पहले ही दीपावली का कल जश्न किया है। मैं भरतपुर से कल आया हूँ, वहाँ लोगों ने बहुत आभार व्यक्त किया और आने वाले समय में रोजाना देखिए सैकड़ों लोग आएंगे और यह मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद।